देखिए, आज रात को तकरीबन 2:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से जो है फेंसिंग के थ्रू 4-5 स्मगलर उधर से उन्होंने जो है करीब 56 किलो का जो है हीरोइन क्रॉस कराने की कोशिश करी और उसको जो है हमारे जवानों ने नाकाम किया और हमारे जवान बहुत अलर्ट थे। इधर इंडिया की तरफ से ही भी दो स्मगलर जो है फेंसिंग के पास पहुंच गए थे अंधेरे का लाभ उठा के, क्योंकि कल रात को वेदर बड़ा ख़राब था, आंधी तूफान थी और काफ़ी बरसात थी, उसका फ़ायदा उठा के वो नज़दीक पहुंच गए थे। और उस दौरान जब ये एक्सचेंज कर रहे थे माल को उधर से पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को, जब ये स्मगलर्स को माल हैंड ओवर कर रहे थे थ्रू फेंसिंग, उस वक्त जो है हमारे जवानों ने मूवमेंट देखा और हमारे जवानों ने इमीडिएटली जो है एक्शन किया, कार्रवाई करी और उन्होंने फायर किया। और फायर की आवाज़ सुनकर जो इंडियन स्मगलर्स थे जिनके पास ये माल था तकरीबन 56 किलो, वो लेके जो है इंडिया की तरफ भागे अंधेरे में। और इस दौरान हमारे लड़कों ने चेज़ किया उनको काफ़ी अंदर तक, और चेजिंग के दौरान वो अपना माल जो है छोड़ के भाग गए। और जब इसको चेक किया गया उसमें ये पाया गया कि तकरीबन 300 करोड़ की वैल्यू की ये हीरोइन जो है ये पकड़ी गई, और ये पूरा जो माल है अब हम लोग जो है सीज़र है ये NCB को हैंड ओवर करेंगे। NCB की टीम अभी यहाँ पहुँचने वाली है। DG BSF राकेश अस्थाना साहब ने सभी को बधाई दी है, उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन किया और टीम को 5 लाख रुपए का कैश रिवार्ड घोषित किया, और ये बहुत बड़ी बात है।